कहा जाता है कि सुअर भी अपने खुमार को साफ रखता है। टॉयलेट को लेकर एक फिल्म बनी थी और आज हमारे भाई साहब भी नई नई शादी करके जा रहे हैं। यहाँ पर जब आप आए हैं, अगर आकस्मिक रूप से अगर आपको टॉयलेट की आवश्यकता पड़ जाए तो कैसा महसूस होगा? पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, आप महिलाएं हैं, किस तरह की समस्या होती है बताइए तो? बहुत दिक्कत है, महिलाएं बहुत दिक्कत है। किस तरह का दिखे की गंदगी बरकरार रहे? आप व्यवस्था खुद चाह रही है। अभी मैं खड़ा हूँ सुगौली स्टेशन पर, वही सुगौली स्टेशन जो अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर की धरती रही है। और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह जन सुविधाएं लिखा हुआ, कहने को इज्जत घर के नाम पर सरकार लाखों नहीं करोड़ों शौचालय बनवा चुकी है, लेकिन हजारों हजार की भीड़ को झेलता यह सुगौली स्टेशन आज भी महरूम है एक पब्लिक टॉयलेट को लेकर। हमने इसके पहले भी इसकी आवाज़ उठाई, कई मीडिया चैनल्स में इसको चलाया गया। पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, पार्किंग की व्यवस्था हुई, लेकिन अभी जो मैं दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ यह शर्मसार करने वाला है। शर्मसार करेगा यह हमें, इसलिए कि खुद को मर्द कहना हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब वही मर्द अपनी बहू बेटियों के साथ इस स्टेशन पे आते हैं और आने के बाद महिलाएं जन सुविधाओं के लिए इधर उधर बगले झांकती हैं तो हमारी मर्दांगी नामर्दी में बदल जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि किस तरह की अव्यवस्था के प्रकोप से बना है यह जन सुविधा का केंद्र। आप देख सकते हैं कि यहाँ ताला लगा हुआ है, ये ताला आपको दिख रहा है, यह ताला आज से नहीं लगा है, बरसों से लगा है बनने के बाद। निश्चित रूप से जब इसका एस्टीमेट पास हुआ होगा तो लाखों रुपए खर्च हुए होंगे और वे लाखों रुपए बेजा है, बर्बाद है, बेकार है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? जब एक युवा लोन लेने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए बैंकों के दरवाजे को खटखटाता है तो उस वक्त उससे 10-12% ब्याज की बात होती है और वह ब्याज लिया भी जाता है। आपने भी अगर लोन लिया होगा तो ब्याज देते होंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सवाल सीधा आप ही से पूछ रहा हूँ इसलिए कि यह आपके हमारे सरोकार की चीज है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद जो शौचालय यहाँ बन के खड़ा है, इन लाखों रुपए का ब्याज क्यों नहीं उन अधिकारियों से वसूला जाए जिनकी अकर्मण्यता के कारण यह बंद पड़ा हुआ है? अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रखंड के कांग्रेस अध्यक्ष हैं श्री किशोर पांडे जी, आप तो स्थानीय हैं, बगल के हैं, कैसे देखते हैं कितनी अव्यवस्था है यहाँ पर इस चीज को लेकर? रेल मंत्रालय ने स्वच्छता के नाम पर, शौचालय के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर चुका है, लेकिन आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी देख सकते हैं, यहाँ का जनता भी देख सकती है कि यहाँ अंबार लगा हुआ है गंदगी का और टॉयलेट के नाम पर ताला मिल रहा है, टॉयलेट के नाम मिल रहा है, जो बहु बेटियाँ आती हैं उनके लिए कितना असुविधा है, इसके लिए मुझे खेद है। और रेल मंत्रालय के मैं सीधा आरोप लगाऊंगा रेल मंत्रालय पर, स्थानीय प्रशासन पर और DRM पर कि उन लोगों की ध्यान सुगौली स्टेशन पर नहीं रहता है जबकि सुगौली स्टेशन ऐतिहासिक स्टेशन है। इसी ऐतिहासिक सुगौली स्टेशन पर एक ऐतिहासिक ट्रेन पकड़ने हमारे एक मित्र आए हुए हैं। अभी आप कौन सा ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं? सप्त क्रांति। सप्त क्रांति जी, तो ये मैडम भी आपके साथ नई नई शादी हुई है क्या आपकी? आप देखे होंगे एक फिल्म आई थी जिसमें नई नई शादी को लेकर, टॉयलेट को लेकर एक फिल्म बनी थी और आज हमारे भाई साहब भी नई नई शादी करके जा रहे हैं। यहाँ पर जब आप आए हैं, अगर आकस्मिक रूप से अगर आपको टॉयलेट की आवश्यकता पड़ जाए तो कैसा महसूस होगा? महसूस तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम गए थे शौचालय करने के लिए, थोड़ा नजदीक आ जाइए, जो सामने लिखा पड़ा है पब्लिक टॉयलेट जी, लेकिन तीनों टॉयलेट में डाला जा सकता है। अब इससे बुरा हालत क्या होगा सुगौली स्टेशन का? कहाँ से आए हैं आप? हम छपरा से। छपरा बाहर से भाई साहब आए हैं, मतलब ये व्यवस्था जो है उसको आप गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। पब्लिक के लिए है तो उसको खोलना चाहिए, सुधार होना चाहिए। पब्लिक के लिए है और आए कोई भी जी, और टॉयलेट की व्यवस्था ना हो तो कहाँ भटकेगा? स्टेशन पे जाएगा, पटरी पे जाएगा, मतलब ये व्यवस्था खुद ब खुद चाहती है कि गंदगी बरकरार रहे। आप व्यवस्था खुद चाह रही है कि गंदगी बरकरार रहे। चलिए और यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, आप महिलाएं हैं, किस तरह की समस्या होती है बताइए तो? बहुत दिक्कत है, तो कभी अगर आवश्यकता पड़ जाती है तब तो इधर उधर झांकना पड़ता होगा। उधर जाते हैं हम लोग तो बगले के है, मैंने हम लोग सोचते हैं कि आएंगे पैसा सब देख कर आएंगे जाएंगे, तो हम लोग तो घरे भी साधन नहीं है, उधर जाते हैं लाइन पटरी। आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं, बहुत कुछ खुल के नहीं बोलेंगी लेकिन जितना बोल रही हैं वही हमारे लिए शर्मनाक है। यह इतना शर्मनाक है कि जब लोग बोल नहीं पाए और हम उसे समझकर नजरअंदाज कर दें तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। इसी सुगौली स्टेशन पर बरसों से कुली का काम कर रहे हैं कुरेश पासवान। हर रोज कुरेश जी आप देखते होंगे महिलाएं आती हैं, बहुत दिक्कत है,
किस किस तरह का दिक्कत हो रहा है बताइए, लोगों को अधिकारी लोगों को समझाइए तो थोड़ा अपने अंदाज में। बगल अगल में जाकर क्रियाक्रम करते हैं लोग, बहुत तकलीफ होता है यहाँ। हम लोग बताते हैं बेटी बहन को से तो उधर जाइए इधर जाइए, क्या करें। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, क्या ऐसा होता है, कितना दिन से ये समस्या है? बहुत दिन से समस्या है। बहुत दिन मतलब कितना दिन? डेढ़ दो साल से हो गया। दो साल पहले यहाँ टॉयलेट चलता था मैंने, अभी क्लियर नहीं है, वो अब नहीं चलता है, उसी तरह बंद रहा था। अब तो मोदी जी के योजना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है या व्यवस्था कि जहाँ पर कि हजारों लाखों नहीं करोड़ों इज्जत घर बनवाने का बात हुआ, लेकिन यहाँ पर बहू बेटियों का इज्जत कहाँ जाता है? और हम लोग बताते हैं क्या कीजिएगा, नहीं है तो इधर जाइए उधर जाइए। आप इस स्थिति की गंभीरता को समझें। सुअर भी अपने खुबाड़ को साफ रखता है, लेकिन ये सुगौली वासी हम आप अपने घर को साफ रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आखिर जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम इस तरह की व्यवस्था के विरोध में अपनी आवाज़ को बुलंद करें, इसलिए कि जब तक हम इस आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, बहरे प्रशासन के कानों तक ये आवाज़ नहीं जाएगी। आप इस समस्या की गंभीरता को समझें, समझना जरूरी है, इसलिए कि इस स्टेशन पर कोई इंग्लैंड से लोग नहीं आते हैं, हमारे ही घर के बहू बेटियाँ आती हैं। हम तो कहीं भी पैर उठाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन कभी सोचिएगा उन बहू बेटियों के बारे में जो आती हैं और बगले झांकने लगती हैं। यह जन सुविधाएं काफ़ी आवश्यक हैं, अगर इन्हें समय पर शुरू नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा और वहां तक ज़रूर पहुंचेगा जहां तक पहुंचना चाहिए। मेरा कहना DRM के तक इसको पहुंचना चाहिए ताकि इन सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके पहले जो पार्किंग की समस्या थी उस पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स लिया और उसका परिणाम निकला कि आज सुगौली स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था हो गई है। उम्मीद करता हूं कि इस समस्या का भी समाधान जल्द होगा। मैं अभिनव, मेरा भारत से।